हेलो दोस्तों, सो फाइनली अपने Redmi K20 Pro के लिए भी कल से MIUI 11 का अपडेट रोल आउट होना यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और आपको पता ही होगा कि उन्होंने डेट्स दिए थे 4 नवंबर to 12 नवंबर के बीच में K20 Pro के लिए अपडेट आएगा, पर यार कल तो 29 अक्टूबर था और तभी ये अपडेट देखने को मिल रहा है। ये काफ़ी सही बात है, पर यार ये अपडेट करने के बाद मैं बहुत ही डिसअपॉइंटिंग यहाँ पे हो चुका हूँ। बहुत सारे फीचर यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहे। एक्चुअली जो MIUI 11 चाइना में आया था और उसमें जो फीचर्स थे वो बहुत सारे फीचर्स MIUI 11 इंडिया के K20 Pro में मिसिंग है। फिर भी यार ये अपडेट बैच वाइज मिल रहा है और स्टेबल टेस्टिंग आता है गाइस, तो यार ये मतलब स्टेबल अपडेट नहीं है, टेस्टिंग फेज में है। तो ये बैच वाइज मिल रहा है, ऐसा नहीं कि हर एक लोगों को ये मिलना स्टार्ट हो चुका है, ये बैच वाइज मिल रहा है। मुझे भी OTA का नोटिफिकेशन आया था और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स को भी OTA का नोटिफिकेशन आया है K20 Pro में MIUI 11 का। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 3-4 दिन में पूरा पब्लिक हो जाएगा और उसके बाद आप अपडेटर ऐप के थ्रू भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या इसमें आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सिस्टम अपडेट में आने के बाद MIUI 11.0.1.0 का ये अपडेट है। और सबसे अच्छी बात कि आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच लेवल 10th मंथ का देखने को मिलता है और ये आता है एंड्रॉयड 10 के साथ। ये भी काफ़ी सही बात है, आपको एंड्रॉयड 10 यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और उसके साथ यहाँ पे बात कर लेते, यहाँ पे देखिए गाइस कभी कभी ओपन ही नहीं होता है, बहुत सारे वर्क्स है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आते हैं सेटिंग में और यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे सेटिंग में आने के बाद डिस्प्ले सेक्शन में आपको ऑफकोर्स डार्क मोड यहाँ पे देखने को मिल जाता है, पर यार यहाँ पे ग्लोबल डार्क मोड जो चाइना वाले MIUI 11 में है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग हो चुका हूँ गाइज मैं यहाँ पे, इसलिए मैंने वीडियो भी जल्दी नहीं बनाया। और यहाँ पे देख सकते हो चेंजेड आइकन्स आपको देखने को मिल जाते हैं, पर यार यहाँ पे आपको देखिए जो फॉन्ट है, जो MIUI 11 का फेशियल फॉन्ट आया था वो भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, जो चाइना वाले MIUI 11 में आपको देखने को मिल जाता है। और गाइज MIUI 11 के रिलेटेड आपके कौन से भी डाउट्स हो तो मैं टेलीग्राम पे हमेशा लाइव रहता हूँ, तो टेलीग्राम का अपने चैनल का या अपने ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ जाके आप अपना टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कीजिए जो मदन गायकवाड के नेम से है। तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं हमेशा ऑनलाइन होता हूँ, तो आपके कोई भी डाउट्स हो तो मुझे वहाँ पे टैग करना ग्रुप में, मैं आपको पूरी यहाँ पे जानकारी दे दूंगा। उसके साथ गाइज यहाँ पे आता हूँ मैं एम्बिएंट डिस्प्ले एंड लॉक स्क्रीन में, तो वही आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मतलब एम्बिएंट डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ भी उन्होंने छेड़छाड़ नहीं की, तो ये काफ़ी सही बात है। और यहाँ पे नोटिफिकेशन के लिए आपको ऐसे कुछ 3-4 ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन लाइट का जो भी इशू था वो पूरा यहाँ पे फिक्स हो चुका है। उसके साथ यहाँ पे नीचे गाइज यहाँ पे और एक डिसअपॉइंटिंग बैटरी परफॉर्मेंस में आपको अल्ट्रा बैटरी सेविंग मोड था जो आया था वो MIUI 11 स्टेबल इंडियन वर्जन में आपको देखने को नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी अल्ट्रा बैटरी सेविंग मोड यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता, ओनली बैटरी सेवर ये नॉर्मल आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यार क्या बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग हो चुका हूँ, तो इसके अलावा मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा उसके बाद क्या क्या फीचर्स मिसिंग है और इसका अपडेट करने के बाद परफॉर्मेंस मुझे कैसा देखने को मिल रहा है, इसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साइट वाला जो बेल आइकन है वहाँ पे जाके ऑल पे प्रेस करना, जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कोई भी वीडियो K20 Pro के मिसिंग मत करना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।